सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हैं एमएच1 न्यूज, मैं हां प्रीत। वेला हो गया पंजाब एक्सप्रेस दा, गल करांगे पंजाब दीआं वड्डीआं ते अहम खबरां दी। वादे पहली खबर वाले पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खन्ना विखे बस्सी पठाना वेरका मिलक प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके से बस्सी पठाना के विधायक का कहना है कि इस प्लांट के शुरू होने के 600 तो वध लोगों को रोजगार मिलेगा। पंजाब बीजेपी वालों रखी गई चंडीगढ़ दे विच मीटिंग, इस ते गलबात करते हुए प्रदेश भाजपा प्रधान श्वेत मलिक ने कहा है कि बैठक दा उन्हां दा रेगुलर शेड्यूल है। बैठक दा मुख एजेंडा बूथ स्तर ते पार्टी संगठन दे विस्तार दे नाल नाल 2019 लोकसभा चोणां नूं लैके केंद्र सरकार दीआं कल्याणकारी नीतियां नूं जन जन तक पहुंचाउणा है। इस दे नाल ही श्वेत मलिक ने ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी दे निधन ते शोक व्यक्त करदे हुए कहा है कि ब्रिगेडियर चांदपुरी राष्ट्र दे हीरो सन अते उन्हां दे नाल जान दे नाल पूरे देश नूं नुकसान होया है। साडा रेगुलर शेड्यूल है जी कि 15 दिन बाद बैठते हैं स्टेट ऑफिस बिरर बैठते हैं, सीनियर लोग बैठते हैं, कोर ग्रुप के डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट्स नूं असीं मिलते ही रहने हैं। कोई बीजेपी का केवल चुनाव ओरिएंटेड पार्टी नहीं है, बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है जिदा सब तो मेहनती कार्यकर्ता और हमेशा चिंता करता है कि जनता नूं वध तो वध सुविधावां दित्तियां जाण। साडा मकसद हुंदा है कि बैठक के माध्यम नाल कम्युनिकेशन करिए, हैल्दी डेमोक्रेसी है, हर एक दे सुझाव दईए लईए और गाइडलाइंस भी दईए ताकि काम सुचारू रूप नाल चलता रहे। पटियाला दे विच अकाली दल पार्टी के साबका कैबिनेट मंत्री के पिता की सालाना बरसी से पहुंचे साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने श्रद्धा के फुल भेट किए। इस दौरान जब उन्होंने SIT बारे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सरकार के समय से बहबल कला गोलीकांड के कातिलों को फड़न के लिए SIT और CBI पहला ही जांच सौंपी हुई थी, दोबारा तो SIT बनाने की की जरूरत थी। नाल ही उन्होंने कहा कि आने वाली लोकसभा चोणों के लिए अकाली दल बिल्कुल तैयार है। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि बहबल कला बरगाड़ी गोलीकांड बनाई गई SIT राजनीति तो प्रेरित है। हुण इस मामले से बोलते हुए सिक्ख्या मंत्री OP सोनी ने कहा कि SIT अपना काम कर रही है। नाल ही गन्ने की बकाया रकम के भुगतान को लेकर किसानों के प्रदर्शन बारे जब उन्होंने तो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ भुगतान कर दिया गया है, बाकी सीजन तो पहले ही कर दिया जाएगा। देखो ये उन्होंने सोच ये उन्हें वेखना भी पेश होना कि नहीं होना, सरकार वालों जी सिट बनाई गई है सो सारी कर रही है, सारा कुछ वेख रही है, उन्होंने समन किए अगों दूजे ने वेखना, पार्टी ने वेखना जिन्होंने समन किए गए कि जाना कि नहीं जाना। जल्दी दे रही है, पिछले दिती भी है, जल्दी दे देनी, सारा भुगतान कर देना सीजन तो पहले पहले। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शिवम छाबड़ा ने जलंधर के सर्किट हाउस के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिवम छाबड़ा ने राफेल डील लैके राहुल गांधी ते लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा है कि कभी राहुल गांधी संसद 520 करोड़ से कभी 440 करोड़ की गल करते हैं। राहुल गांधी ने सारे बयान लोगों को गुमराह करने के लिए दिते हैं। इस दे नाल ही उन्होंने संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के रिश्तों से भी सवाल चुके। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को जवाब मंगते हुए कहा कि संजय भंडारी की 2008 1 लाख तो शुरू हुई कंपनी 2013 1000 करोड़ की किमें बन गई। मैं केवल राहुल गांधी जी से और उनकी पार्टी से संजय भंडारी जो एक शख्स हैं, रॉबर्ट वाड्रा के दोस्त हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं और कहीं ना कहीं 2007 में जब ये डील UPA सरकार करने वाली थी उस समय भी एक मिडलमैन की भूमिका वो निभाने का प्रयास कर रहे थे। और जब 2015 में उसको बैन किया गया उनकी कंपनी को, उसके बाद 2016 में इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद जब उनके जितने ठिकाने थे उनको रेड किया गया जितनी एजेंसीज के दौरान, उन सभी एजेंसीज को उनके जगह पर
रफेल विमान से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स थे, इसको बेसिकली हम कहें कि जो डॉक्यूमेंट्स सरकार के पास में होने चाहिए और सरकार की टॉप हम कहें कि ऑथराइज लोगों पर रहनी चाहिए, उस प्रकार के डॉक्यूमेंट, उस प्रकार सस्पिशन डॉक्यूमेंट वहाँ पे रिकवर किए गए। लगातार कोर्ट की उसकी नज़र है, कोर्ट ने उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया, तो कहीं ना कहीं जवाब देने का काम तो राहुल गांधी को करना चाहिए। दो हज़ार 2019 होने वाले लोकसभा चोणों को लेकर ईवीएम मशीन पठानकोट भेज दी गई हैं। इन मशीन की जांच प्रशासन वालों की जा रही है, मॉक पोल के जरिए सारिया मशीन वीवीपैट मशीन की जांच की जा रही है। इस मौके पर प्रशासन के अधिकारियों समेत आम जनता ने भी हिस्सा लिया। उधर अधिकारियों को इन मशीन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिस आने वाली लोकसभा चोणों के इलेक्शन कमीशन की तैयारियां पूरी की जा सकन। पहले एक परसेंट के जो साड़ी है वह 8 मशीन होंगे ने, उन्होंने 1200 वोट पोल की जानी है। जो 2% है उन्होंने 1000% 1000 वोट पोल की जानी है, और उस तो नैक्सट जो 2% है वो साड़िया जो उन्होंने 500 वोट पोल की जानी है। सो इस मुख रखद होज जिले दमुचिया ही मानता प्राप्त जिन्हिया राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अहदेदार साहबान को बुलाया गया कि वो अपनी हाजरी के आके ये जो मोक पोल का प्रोसैस है यू स्टार्ट करवा के जो उन्होंने निगरानी के अब लगभग सारा दिन ही 7-8 घंटे प्रोसैस चलना है। अमृतसर के सिक्ख्या मंत्री ओपी सोनी के घर के बाहर अध्यापकों ने अपनी मंगों को लेकर भुख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने मांग है कि अध्यापकों दोबारा तो नौकरी से रखा जाए। उधर पीटीआई अध्यापक यूनियन के प्रधान केशव कोहली ने कहा कि अध्यापक दंगों नहीं मनिया जा रहा है, जिसन लैके उन्होंने भुख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने चेतावनी देंदे हुए कहा कि जेकर साड़िया मंगा नहीं मनिया गई तो भुख हड़ताल जारी रहेगी। शिक्षा मंत्री के निवास स्थान के बारे इकट्ठे हुए हैं सारे, क्योंकि साढ़े फिजिकल एजुकेशन टीचर के नाल पिछले 12 सालों तो जी नाइंसाफी हो रही है। 12 सालों तो साढ़े टीचर जोड़े ने बेरोजगारी की मार चल रहे हैं। सरकार ने 4 बार वक् वक् अखबारों के इश्तहार दे के हज़ारा पोस्टा के लिए आवेदन मंगे से टीचर के कोलों, 700 रुपये फीस के हिसाब के सरकार ने करोड़ों रुपये इकट्ठे करके रिटर्न के एक टैसट भी लिया, जिदा ना तो अभी तक कोई रिजल्ट कटिया गया और ना ही जोड़ा वा इन्होंने कोई किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी किया अगली भर्ती लई। अध्यापकों वालों अपनी डिमांड प्रति तय की जा रही है, तो ये आए ने बेचारे कि अपनी मंग देना चाहते हैं, तो आप सुन रहे हैं जो इन डिमांड ने अगे फॉरवर्ड कर देंगे। अपना तो कोई इन्होंने बेचारे का दोष नहीं है, वैर है इन्हों का साढ़े नाल कोई नहीं है, ये अपनी दुखी ने अपनी काम सरकार का है। सरकार करेगी इन्होंने बारे कुछ ना कुछ जरूर करेगी, कर भी रही है, कर भी करेगी भी, ठीक है ना। ये अपना प्रोटेस्ट लेके आए बेचारे, कोई गल नहीं। हुशियारपुर विखे दसूहा के गरना साहिब किसान गन्ने की बकाया राशि को लैके धरने पर हैं, जिसके चलते 6 किसान यूनियनों ने अपनी मंगों को लैके जलंधर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिता है। किसानों के मुताबिक जब तक वह अपनी मंगों को पूरा नहीं करवा लेंगे तब तक वह राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद रखेंगे, नाल ही रेल मार्ग को भी बंद करने की चेतावनी दी है। उधर किसानों की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन भी सतर्कता वधा रहा है। ये सारा धरना जिहड़ा साडा हैगा जी, जिहड़ा साडी बकाया राशि पिछले सीजन की 2017-18 की 450 करोड़ मिलों वाले जो बकाया खड़ा उन्होंने लैके धरना दिता जा रहा, जिहद हुण शुरुआत हो जा रही है और बहुत पूरे हाल पंजाब तो जथे चल पाए हुए पहुँचने वाले है। और ये जिहड़ा आ साडा जिहड़ा गन्ने का रेट वा इस बार सरकार ने बताया नहीं, महंगाई हुई है, DAP खाद वधी, डीजल वधिया, पर साडा जिहड़ा गन्ने का रेट नहीं वधिया। एक ये मंग है साडी, एक बकाए की मंग है, एक सैकेंड मंग साडी है जिहड़ी साडा आने वाला सीजन वो जिहड़ी साड़ी पेमेंट है 14 दिन यकीनी बनाई जाए सानू मिले। तो चौथी मंग है भी सरकार ने 15 का नोटिफिकेशन जारी किया मिलना चलाने का, पर हाले तक कोई मिल नहीं चली। सरकार जी है ना होया नाल दी बैठी है पंजाब दे विच, और साड़ी लड़ाई वैसे पंजाब और सेंटर नाल भी है। हुणे किसानां ने धरना लाया है अपनी डिमांड्स के संबंध में, जिहड़ा साडे पुलिस प्रबंध आ असीं पूरा ख्याल रख रहे भी किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना आए। उन्होंने भी साड़ी गल हुई है भी जे धरना देना तो पीसफुली देन,
जिथे तक ट्रैफिक का संबंध है असं प्रॉपर डायवर्जन दिती हुई है कि दोनों पासे तो जी पठानकोट तो या जलंधर टू वर्ड पठानकोट ट्रैफिक जा रही है कि वो किसी तरह की परेशानी जी आम पब्लिक ना हो। इराक दे विच मारे गए 39 भारतीयों के परिवार वालों ने जलंधर विखे पंजाब प्रेस क्लब दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रही है। सरकार वालों यह वादा किया गया सी कि इराक दे विच मारे गए लोगों के परिवार के एक मैंबर को नौकरी दी जाएगी, एक बच्चे को फ्री सिक्ख्या भी दी जाएगी। इन्ना ही नहीं, सरकार पहले तो ही इन्हों की आर्थिक मदद लिए परिवार को 20,000 रुपए महीना भी दे रही थी, वह भी बंद कर दिए गए हैं। लोगों ने सरकार तो यह मांग करते हुए कहा है कि उन्होंने उन्हों की योग्यता के हिसाब के नौकरी दी जाए और बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध भी किया जाए और जो 20,000 रुपये सरकार लोगों को दे रही थी उसको दोबारा तो शुरू किया जाए। जो पिछले दिनों सरकार ने डिकलेयर किए थे भी सारे बंदे उत्थे मारे गए हैं तो सरकार ने उत्थे सानू अनाउंस किया जॉब्स बारे तो जॉब्स बारे तो जो 20,000 रुपया महीना सरकार दे रही है वह परमानेंट दी रहेगी जो तक जॉब्स नहीं लगदियाँ। अज जो 8 महीने बीत गए हैं सरकार ने ना तक जॉब लाई है, कोई जॉब दी है, जो दी है तो क्वालिफिकेशन बेस नहीं दी किसी को, तो वो 5,300 रुपया स्केल आ सैलरी है जो वो प्रोविजनल पीरियड है 3 साल का, ठीक है जी। उस तो बाद अपना जो 20,000 रुपया 5 महीने हो गए, कई ज़्यादा हो गए आ, इन्होंने बंद करता। पूरे पंजाब दे विच हाई अलर्ट तो बाद जगराऊं दे विच लुधियाना फिरोजपुर रोड की चैकिंग की जा रही है। जगराऊं पुलिस अते मोगा पुलिस ने पिंड चूचक दे लागे अपने एरिया की हद ते हाई टैक नाका लगा दिता है। दोवें जिलों की पुलिस वालों रोड से आन जाण वालियां गड्डियां की तलाशी ली जा रही है। जगराऊं पुलिस नाके के इंचार्ज ने दसिया कि पूरे पंजाब दे विच रैड अलर्ट जारी होया है अते पंजाब दे विच किसी भी कारण वजो माहौल खराब ना हो दिता जाएगा। इस दे लई सीनियर पुलिस अफसर वरिंदर सिंह बराड के निर्देशों मुताबिक नाकेबंदी की गई है। हदायतों के मुताबिक यह हाईटैक नाकाबंदी की हुई है। शक्की गड्डिया शक्की व्हीकल भी असी मान योग SHO श्री जगदीश कुमार SHO सदर जगराऊं जी हदायतों मुताबिक DSP जगराऊं मैडम जी जी ददायतों मुताबिक इतने नाकाबंदी की हुई है। बसा भी अं चेक कर रहे हैं, कोई भी सू शक्की चीज दी है अं चेक कर रहे हैं। मोहाली च भी अतवादी घुसपैठ की खबर तो बाद हाई अलर्ट कर दिया गया है और शहर के वक् वक् इलाकों के नाके लगाए गए हैं, नाल ही वाहनों पर भी नज़र रखी जा रही है। इस तो इलावा अतवादी मूसा का पोस्टर भी लगा दिया गया है जिस सारी पुलिस स्टेशन के भेज दिया गया है। इस तो इलावा पुलिस की पेट्रोलिंग टीमों भी लगाया गया है। लुधियाना की SDF टीम को उस समय वड्डी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी दौरान 3 लोगों को 1 किलो हैरोइन समेत काबू किया है। दसिया जा रहा है कि हैरोइन दिल्ली तो एक नाइजीरियन व्यक्ति को लियाई जा रही थी। SDF की टीम ने आरोपियों को ट्रांसपोर्ट नगर तो काबू किया है, आरोपियों को पूछगिछ की जा रही है। फिरोजपुर शहर में करीब 16-17 साल के लड़के अनिकेत भंडारी का कतल होया सी ते हुण पुलिस ने इस कतल की गुत्थी सुलझाते हुए 2 कातिलों को गिरफ्तार किया है। उक्त इस संबंधी SHO गुरदेव सिंह ने जानकारी देते हुए दसिया है कि उक्त दोनों कातिलों ने अपना गुनाह कबूल करते हुए दसिया कि उन्होंने अनिकेत विचकार 2 लड़कियों के प्यार को लेकर आपसी रंजिश चल रही थी। इस कारण ही उन्होंने अनिकेत को एक ग्राउंड में लजा के उसका तेजधार हथियारों के नाल कतल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने उक्त कातिलों को अदालत में पेश करके उन्होंने रिमांड हासिल कर लिया।
अमृतसर पुलिस नूं उस समय वड्डी कामयाबी हाथ लगी जद पुलिस ने एटीएम तोड़ के 19,000 रुपए की चोरी करने वाले चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी देते हुए बैंक मैनेजर श्री पुनीत कुमार ने दसाया कि कुछ अणपछाते व्यक्तियों ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम तो 19,000 रुपए चोरी कर ले। इस मामले से कार्रवाई करते हुए पुलिस चार चोरों को गिरफ्तार कर रही है जिन्हों को 4300 रुपए भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में अगे की जांच शुरू कर दी है। जलंधर के गुरुद्वारा सिंह सभा गोबिंदगढ़ मोहल्ला और गुरुद्वारा दीवान स्थान सेंट्रल टाउन तो नगर कीर्तन कढ़िया गया। यह नगर कीर्तन शहर का चक्कर लगाते हुए वापस गुरुद्वारा दीवान स्थान सेंट्रल टाउन पहुंचा। इस नगर कीर्तन के इलाके की संगत ने वध चढ़ के हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों वालों थां थां से लंगर भी लगाए गए, गतके का प्रदर्शन भी किया गया। इन्हें ही लोगों ने पटाखों के नाल नगर कीर्तन का स्वागत भी किया। जगराऊं दे पिंड लीला दी सोसाइटी पूरे पंजाब दे 13,000 पिंडां दी कोऑपरेटिव सोसाइटी दे लई मिसाल बन के अग्गे आई है। दस्या जा रहा है कि किसान अपनी फसल जगराऊं दाना मंडी दे विच वेचण दी बजाए अपने ही पिंड दी सोसाइटी दे विच वेचना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मंडी दे समर्थन मुल तो भी ज़्यादा रुपए इत्थे मिल रहे हैं। इस तरह डीजल भी उन्होंने बाजार तो 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिल रहा है। इस दे लई सोसाइटी अपने पिंड दे ही नहीं बल्कि सारे इलाके दे किसानों की विचहेती बन गई है। इस तो अलावा किसानों को इस सोसाइटी तो होर भी कई फायदे मिल रहे हैं। पंजाब एक्सप्रेस दे विच हुंदे लई नई नवीं ते ताज़ा खबरां दे लई तुसीं बने रहो MH1 न्यूज़ दे नाल। सत श्री अकाल।